आज जमशेदपुर के लिए बहुत ही खास दिन है। नमस्कार, आप देखना शुरू कर चुके हैं 99 न्यूज़, मैं मंजीत। आज बात करेंगे तो जमशेदपुर की धरती पर झारखंड के मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन कुछ ही देर में पहुंचेंगे और जो झारखंड के आंदोलनकारी हैं निर्मल महतो, उनके शहादत दिवस पर 37वें शहादत दिवस पर श्रद्धा सुमन अर्पित करेंगे और यहाँ पर जो है सभा को भी संबोधित करेंगे। बात करेंगे तो झारखंड के मुख्यमंत्री के साथ आज पूर्व मुख्यमंत्री जो हैं चंपई सोरेन, कई आंदोलनकारी हैं वो पहुँचेंगे, तमाम जो मंत्री हैं विधायक हैं जेएमएम के बड़े दिग्गज नेता जो हैं एक मंच पर उपस्थित रहेंगे। तमाम जो तैयारियां हैं वो पूरी कर ली गई है, जिसको लेकर आप देख रहे हैं कि कुछ ही देर में यहां पर जो है जो इसी एयरपोर्ट में सोनारी के एयरपोर्ट में उतरेंगे और वहां से पूरी सुरक्षा के साथ जो है यहाँ पर जो स्टेज है वो बनकर तैयार है। पूरे सभा को किस तरह से संबोधित करेंगे, हालाँकि देखेंगे लगातार आज जो है शहादत दिवस के अवसर पर कई राजनेताओं के द्वारा क्या कुछ यहाँ पर संबोधित किया जाएगा। अगर बात करेंगे तो चुनावी माहौल है, विधानसभा चुनाव कुछ ही दिन बचे हुए हैं और किस तरह से ये चुनावी माहौल में जो अपने जनता को या फिर अपने झारखंड वासियों को क्या संदेश देंगे और क्या कुछ आज जो है अहम भूमिका रहेगी मुख्यमंत्री की इन शहादत दिवस को लेकर। हालांकि बात करेंगे तो तैयारियां को लेकर पूरे ज़िले के जो हैं तमाम जो अधिकारी हैं ऑफिसर हैं और जिस तरह से पुलिस फोर्स की तैनाती है, सिक्योरिटी की तैनाती है, पूरा शहर एयरपोर्ट ही नहीं बल्कि बात करेंगे पूरे जमशेदपुर शहर जो है चप्पे चप्पे पर पुलिस फोर्स की तैनाती की गई है और यह चमरिया गेस्ट हाउस से लेकर तमाम जो है यहां पर निर्मल गेस्ट हाउस तक तमाम जो है नेताओं का यहां पर जवाबड़ा है। मुख्यमंत्री श्री हेमंत सोरेन लगातार 5 सालों से अभी विराजमान है, बीच में चंपई सोरेन भी आए थे, लेकिन जहां तक आंदोलनकारी का सवाल है कि तो उनका उनके साथ इंसाफ शायद नहीं मिला है और शायद मिलने की भी संभावना नहीं, क्योंकि वही 2 महीना बाद फिर से तो मतलब इलेक्शन होने वाला, चुनाव होने वाला, तो इससे और क्या उम्मीद लगा सकते हैं। इसीलिए बस शहीदों के मज़ारों पर लगेंगे हर बरस मेले, वतन पे मरने वालों का ही बाकी निशान होगा, ये यही मतलब कहना सही होगा। और फिर मतलब निर्मल दा बार बार बोलते हैं कि सवाल बनकर फिर उठूंगा, बन सके तो जवाब रखना, मेरा खून बेकार ना जाए, मेरा खून का हिसाब रखना, लेकिन उनका खून का हिसाब तो नहीं रखा गया क्योंकि उन्हीं के समाधि स्थल में हम लोग अभी भी है और उन्हें अभी तक शहीद का दर्जा नहीं मिला है, उनका NIA जांच का रिपोर्ट नहीं मिला है। उनके घटना स्थल में मतलब सुरेश खैतान थे पूर्व कांग्रेसी, उसके बाद ये सूरज मंडल थे, ज्ञान रंजन थे, अब उनके एक भट्टाचार्य कोई थे मतलब उनका PA थे और उसके बाद सूरज मंडल के बॉडीगार्ड थे, लेकिन किसी ने आज तक मतलब इनका रिपोर्ट नहीं दिया है, मतलब किसी से पूछताछ भी नहीं किया गया, तो इससे पता चलता है कि शहीदों की कुर्बानी के साथ बिल्कुल नाइंसाफ़ी हो रही है और आगे भी इसी तरह से होती रहेगी। अगर झारखंडी लोग अगर नहीं जागे तो फिर बस कुर्बानी ही देते रहेंगे और फिर आगे कुछ नहीं मिलेगा, बस हमारे कुर्बानी के साथ कोई हिसाब नहीं होगा। तो निर्मल दा के सपनों का झारखंड अभी तक नहीं मिला है, तो इसी से मतलब झारखंडियों को हम यही अपील करना चाहेंगे कि अगला इलेक्शन में एक झारखंडियों के लिए झारखंडियों का सपना साकार हो, इसलिए सही मतदान करें। जय झारखंड, जोहार झारखंड। देखिए, आज का जो सभा है ये तो निर्मल महतो के नाम से मनाया जाता है शहादत दिवस के रूप में, लेकिन बात यह है कि निर्मल महतो को झारखंड मुक्ति मोर्चा, देखिए आज ना शहीद का स्टेटस दिया, ना जो कुर्बानी जिसले निर्मल महतो दिए थे, आज झारखंड मुक्ति मोर्चा का सरकार चल रहा है, लेकिन इस सरकार में जो जिसके लिए लड़ाई लड़ा गया था खास करके यहाँ के मूलवासी और आदिवासियों के लिए, उसका तो कोई स्थान ही नहीं है। आज भी संघर्ष ही जारी है। आज हम लोग JBKSS में, JBKSS किस लिए लड़ाई लड़ रहा है, इसी लड़ाई लड़ रहा है जो 24 साल में नहीं हुआ। तो हम लोग चाहते हैं भाई कि इस बार हम लोग का, जहाँ तक इस बार चुनाव का बात है, विधानसभा चुनाव का, तो हम लोग इस बार तो आपको पता ही है लोकसभा में कितना वोट लाए हैं, लगभग 8.5 लाख वोट लाए हैं, बहुत जगह तीसरे स्थान मतलब तीसरे स्थान पर लगभग सभी जगह में है। तो इस बार थर्ड फ्रंट का नाम से हम लोग JBKSS तीसरा मोर्चा के रूप में लड़ेंगे और बहुत बहुत बड़ी हम लोग का चांस है कि इस बार हम लोग सरकार बनाने जा रहे हैं। हमारे झारखंड वासियों के लिए खास दिन है और आज जो है निर्मल दा का शहादत आज के दिन चमरिया गेस्ट हाउस में हुए थे, लेकिन आज हम लोग को अभी तक जो है 24 साल का झारखंड बना, लेकिन आज निर्मल दा का देहांत होकर करीब 41 साल होने जा रहा, अभी तक जो है उनको आज शहीद का दर्जा नहीं, चाहे हर साल जो है मुख्यमंत्री जो यहां पर जो उसके मजार में आते हैं ये चढ़ाने, फूल चढ़ाने, लेकिन निर्मल दा जिस हैसियत के साथ आज पार्टी के उन्हीं के पार्टी का JMM के ही जो है पार्टी प्रेसिडेंट थे, लेकिन आज शहीद का दर्जा उनको नहीं मिल पाया है। जहाँ तक बात है आज जिसको प्रबंधन पार्टी का भी डिमांड ये भी होना चाहिए था कि उनके आज जो जहाँ पर शहादत स्थल है वहाँ पर उनके जो चित्र है, उनके जो फोटो, उनका जो मूर्ति है, उस मूर्ति के ऊपर में एक शेड तक भी नहीं लगाया टिस्को कंपनी, तो टिस्को कंपनी के प्रबंधन से मैं डिमांड करता हूँ, मैं मांग करता हूँ अविलंब जो है इस पर जो है विचार करते हुए उसके ऊपर में एक शेड लगाया जाए।
साजिश करता है, कौन साजिश करता था, उतने आदमी रहते हुए भी वहाँ पर उसको जो है गोली मार के हत्या कर दिया गया था, ये सब कुछ भी पता नहीं कर पाया। तो ये झारखंड, ये जो गवर्नमेंट है, इसको उम्मीद के उम्मीद, इनसे हम लोग क्या उम्मीद कर सकते हैं। दादा निर्मलदा का शहीद दिवस है और उन्हें कोटि कोटि नमन करते हुए आप चैनलों को भी मैं जोहार करती हूँ। पूरा एक सप्ताह पहले से तैयारी हो रही है और यहाँ पर समाधि स्थल और स्टैचू जो उलियान कदमा शहीद मैदान पे सभा भी होंगे। राज्य के माननीय मुख्यमंत्री श्री हेमंत सोरेन जी आएंगे, साथ साथ कैबिनेट मंत्रीगण, विधायकगण और सभी सम्मानित नेतागण, महिला मोर्चा भी और क्षेत्र से पूरा झारखंड ही नहीं, पड़ोसी राज्य जैसे बंगाल उड़ीसा से भी लोग आते हैं। जो नहीं भी आ पाते हैं तो अपना क्षेत्र में मनाए जाते हैं। हमारे परिवार के साथ साथ पूरा राज्यवासी के लिए ये एक बहुत ही महत्वपूर्ण दिन है जो हम लोग इसको मनाते हैं। और कहीं न कहीं पहले हमारे स्वर्गीय पति भी इस तरह अराज नहीं हैं, लेकिन उस यहाँ के जिला कमेटी के साथ सभी नेतागणों के साथ सभी के साथ साथ उसी तरह ये मनाए जाते हैं। अराज के कई ऐसे योजना हमारे माननीय मुख्यमंत्री जी जो चला रहे हैं, जो हमारे राज्य में उस अंतिम व्यक्ति तक पहुँचे, जैसे एक हमारे महिला के लिए हमारे महिला सम्मान योजना जो हमारे मुख्यमंत्री जी, एक बहुत ही कल्याणकारी योजना है जो अभी एक सप्ताह पहले इनका लॉन्च हुआ है। और कुछ और पहली बार अभी जेल से आके मंत्री जी मुख्यमंत्री जी सभा कर रहे हैं और कुछ हमारे राज्य के लिए कुछ और घोषणा कर देंगे। अगर बात करेंगे तो 8 अगस्त 1978 में अवतार सिंह के तारी माँ की श्रद्धा श्राद्ध क्रम में जो है निर्मल महतो की यहाँ पर जो हत्या हुई थी और 3 गोलियाँ निर्मल महतो पर दर्शाई गई थी, उन्हीं के यादगार में यह 37वां दिवस जो है मनाया जा रहा है और यहाँ पर श्रद्धा सुमन अर्पित किया जा रहा है। और हर प्रतिवर्ष यहाँ पर जो है मुख्यमंत्री जो है झारखंड के आते हैं, क्योंकि एक बहुत बड़े आंदोलनकारी थे और उन्होंने झारखंड को किस तरह से आंदोलन के रूप में किया था उसको लेकर उन तमाम तस्वीरों को दिखाएंगे। इसके बाद इस वक्त की पूरी देखेंगे तो चप्पे चप्पे पर पुलिस फोर्स की तैनाती है और क्या कुछ आज के लिए खास रहेगा वो भी तस्वीर हम दिखाएंगे आपको। तब तक के लिए आप देखते रहिएगा 99 न्यूज़। मैं मंजीत जमशेदपुर।